देखिए भाई, आज के टाइम पर YouTube पर जितने भी छोटे क्रिएटर आ रहे हैं वो यही सोच कर आते होंगे कि हम भी अपना YouTube पर नया चैनल बनाकर और लोगों की तरह हम भी YouTube से पैसा कमा सके। दोस्तों, इस वजह से वो यहाँ पर छोटे क्रिएटर जो है वो YouTube पर आ जाते हैं और वो YouTube पर अपना चैनल तो बना लेते हैं और वो अपने चैनल पर यहाँ पर 1-2 महीना अच्छी तरीके से काम भी कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद वो अपने चैनल पर वीडियो डालना बंद कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है उसके चैनल की ग्रोथ यहाँ पर रुक जाती है। और वो अपने चैनल पर वीडियो कब डालना बंद करता है, उसको उसकी कैटेगरी से रिलेटेड उसको टॉपिक नहीं मिलती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम आज के टाइम पर हर एक छोटे यूट्यूबर बड़े यूट्यूब क्रिएटर के लिए बन रही है कि भाई हम एक वीडियो तो बना लेते हैं, 2 वीडियो बना लेते हैं, 3 वीडियो बना लेते हैं, 4 वीडियो, इसी तरीके से वो दोस्तों वो यहाँ पर कितने वीडियो बना लेते हैं। बट दोस्तों कुछ समय बाद उसको यहाँ पर दिक्कत बन जाती है, जब वो मल्टीपल वीडियो अपने YouTube चैनल पर डालते रहते हैं तो उसको यहाँ पर कई बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कि आज मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपका YouTube चैनल किसी भी कैटेगरी पर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका YouTube चैनल, मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूँ, आपका YouTube चैनल किसी भी कैटेगरी पर हो उससे रिलेटेड आपको अनलिमिटेड टॉपिक देने वाला हूँ। अनलिमिटेड टॉपिक आपको कहाँ से मिलेंगे जो कि 100% जेन्युइन और वायरल वाले होंगे। अगर आप उन टॉपिक पर वीडियो बनाओगे, उन कीवर्ड पर वीडियो बनाओगे, तो भाई आपकी वीडियो पर ज्यादा व्यूज आने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ऐसी ट्रिक बताऊंगा आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए जो है वो वहां से अनलिमिटेड टॉपिक उठा सकते हो, जिन पर आप वीडियो भी तैयार कर सकते हो, जिनसे आपको कभी भी फ्यूचर में अपने चैनल के लिए कभी भी टॉपिक की कमी नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम यूट्यूब से रिलेटेड बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सिंपल सा तरीका है, अगर आपको यूट्यूब पर ग्रो होना है तो आपको अपने चैनल पर कंसिस्टेंसी को बनानी है। कंसिस्टेंसी आप कब बनाओगे, जब आपको आपकी कैटेगरी से रिलेटेड आपको टॉपिक मिलेंगे, और टॉपिक आपको कहाँ से मिलेंगे वो ध्यान से समझना। जिस पर हमने अपना यूट्यूब पर चैनल बनाया है, यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे क्रिएटर आते हैं यूट्यूब पर अपना चैनल लेकर, वो यहाँ पर यूट्यूब पर अपना चैनल तो बना लेते हैं लेकिन वो एक बात भूल जाती है। दोस्तों, आपको बिल्कुल लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग चलाकर आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा, बस आप लोगों को ध्यान से समझना है। 100% आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने मेरी बताई हुई इस ट्रिक पर काम कर लिया भाई, 100% आपका पूरा चैनल ग्रो पर जाएगा और आपको एक सक्सेसफुल यूट्यूबर होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, इसी में ही मैं आप लोगों को अपना जेन्युइन तरीका भी बताऊंगा, मैं अपनी वीडियो किस तरीके से, मतलब कहाँ से अपनी आइडियाज लेता हूँ, किस तरीके से मैं अपनी वीडियो के लिए टॉपिक लेता हूँ, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, मैंने अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ओपन कर दिया है और मैं यहाँ पर सबसे पहले मेरा नेट यहाँ पर ऑन है। ऑन होने के बाद दोस्तों, आपने जिस भी यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया, यूट्यूब पर आपने चैनल तो बना लिया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर छोटे क्रिएटर के दिमाग में नहीं रहता है, यूट्यूब पर आते हैं और अपना चैनल बना लेते हैं और यूट्यूब को छोड़ देते हैं। चैनल तो बना लेते हैं लेकिन यूट्यूब पर ध्यान नहीं देते हैं। कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब पर अपना चैनल बना तो लेती है लेकिन YouTube पर ध्यान नहीं देती है। ध्यान कहाँ देती है, दूसरी वेबसाइट पर ध्यान देने लग जाती है। लेकिन दोस्तों, YouTube पर जब हम अपना चैनल बनाते हैं तो YouTube पर चैनल बनाना ही नहीं, उसको समझना भी है। दोस्तों, YouTube पर ही हमें सारी की सारी चीजें जो है वो अवेलेबल YouTube कर रहा है। दोस्तों देखिए, जो YouTube की ऐप है, YouTube ये वाली दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में ही हमारा सारा कुछ YouTube का जो है वो ग्रोथ छिपा हुआ है। आपको टॉपिक भी यहीं से लेने हैं, वो कैसे वो समझ लीजिए। जैसे मैं यूट्यूब को ओपन करता हूँ, यूट्यूब को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको एक एक पॉइंट ध्यान से समझना है, किस तरीके से आपको अपने वीडियो से रिलेटेड, अपने कंटेंट से रिलेटेड, चाहे आपका कंटेंट किसी भी कैटेगरी पर हो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर 100% हजारों टॉपिक मिलने वाले हैं, हजारों कीवर्ड मिलने वाले हैं, जिन पर आपकी वीडियो रेगुलरली तैयार होगी, आपके यूट्यूब चैनल पर आप मल्टीपल वीडियो डालना स्टार्ट कर दोगे तो आपको टॉपिक की तो कभी भी कमी नहीं होने वाली है। वो किस तरीके से लेने हैं टॉपिक, वो कहाँ से मिलेंगे, ध्यान से समझना। दोस्तों, आपको यूट्यूब की ऐप को ओपन करने के बाद आपको सिंपल सा सर्च बार वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपने अपने यूट्यूब पर किसी भी कैटेगरी पर चैनल अगर बना रखा है, सपोज मान लीजिए मेरा चैनल कुकिंग का है और मैं अपने चैनल पर यहाँ पर कुछ भी सब्जी रोटी वगैरह कुछ भी यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो मुझे उससे रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पनीर, पनीर लिख देता हूँ,
चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि पनीर, तो मैंने दोस्तों यहाँ पर लिख दिया है पनीर। आप लाइव स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर पनीर लिख दिया है, और मेरे सामने पनीर से लिखते ही यहाँ पर कितने सारे कीवर्ड आ चुके हैं। एक तो ये आ गया पनीर राइस, और एक आ गया पनीर बटर मसाला, एक पनीर सब्जी, एक पनीर, इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पर हमारे हमारे सामने जो है वो आ चुके हैं। इस तरीके से जो है टॉपिक हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। ये दोस्तों यहाँ पर इतने सारे टॉपिक आ चुके हैं, इन टॉपिक पर एक एक करके आपको रेगुलरली मल्टीपली अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनानी है। मैंने यहाँ पर पनीर लिखा, उससे रिलेटेड हमारे यहाँ पर कितनी वीडियो बनकर आ चुकी है। एक टॉपिक पर आपको एक वीडियो तैयार करनी है और अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देनी है। और दोस्तों अगर आपके ये भी टॉपिक खत्म हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा यहाँ पर जैसे कि मैंने पनीर लिखा था, दोस्तों मैं यहाँ पर पनीर के आगे ए लगा देता हूँ। जैसे कि मैंने ए लगा दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों मेरे सामने यहाँ पर कितने सारे फिर कीवर्ड ओपन हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर पनीर ए, पनीर की सब्जी, पनीर आलू, आलू की सब्जी, आलू की, आलू पनीर की सब्जी, इस तरीके से दोस्तों आलू की चाट, आलू पनीर की चाट, आलू पनीर मसाला, आलू भुजिया, तो इस तरीके से दोस्तों हमारे यहाँ पर जाओ, हमारे यहाँ पर जाओ कितने सारे टॉपिक सजेस्ट हो रहे हैं। तो अगर आपके ये भी यहाँ पर कम पड़ गए हैं तो आपको यहाँ पर जब आप इन पर भी वीडियो बना दो तो आपको यहाँ पर एक ही जगह बी लगा देना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने जो है वो फिर इतने सारे यहाँ पर कीवर्ड ओपन हो चुके हैं। एक ही रहा पनीर बटरफ्लाई, पनीर भुजिया, पनीर भुजिया, यानी कि बी से रिलेटेड आएंगे। पनीर तो रह गई, पनीर तो हमारा कीवर्ड बन गया। और उसके आगे अगर आप ए लगाओगे, बी लगाओगे, सी लगाओगे, डी लगाओगे, तो इस तरीके से दोस्तों आपके सामने यहाँ पर कितने सारे कीवर्ड फिर ओपन हो चुके हैं। आप इन पर भी एक एक करके जो है वीडियो बना सकते हो। तो इस तरीके से आपके सामने कितने सारे यहाँ पर जो वो टॉपिक निकल कर आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपको अगर ये भी आपको यहाँ पर कम पड़ गए, इन पर भी आपने वीडियो बना दी, तो आपको यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर सी लगा देना है। इस तरीके से फिर आपके सामने यहाँ पर जो है कितने सारे यहाँ पर जो है वो टॉपिक नजर आ जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं इतने सारे टॉपिक आपको यहाँ पर मिल रही है। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर कुछ भी सर्च करते हो, जैसे कि मेरा चैनल यहाँ पर टैग कैटेगरी पर है, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जाओ यूट्यूब से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन देते रहते हो, तो मुझे यहाँ पर यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बनानी है तो मुझे यहाँ पर क्या सर्च करना है, यूट्यूब। चलिए मैं यहाँ पर यूट्यूब सर्च कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर यूट्यूब सर्च कर लिया है, और आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे सामने यूट्यूब से रिलेटेड जो है वो कितनी सारी वीडियो निकल कर आ चुकी है। हर एक टॉपिक पर आपको वीडियो बनानी है, हर एक कीवर्ड पर आपको वीडियो बनानी है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर आ चुके हैं यूट्यूब शॉर्ट वीडियो, एक तो ये वाले है यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, एक ये वाली हो गई यूट्यूब मोनेटाइजेशन बिग अपडेट 2023, एक ये वाली वीडियो हो गई यूट्यूब शॉर्ट कॉमेडी, एक ये वाली वीडियो हो गई। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे सामने बहुत सारी वीडियो निकल कर आ चुकी है। आपको इन पर एक एक करके रोज एक वीडियो बनानी है और अपने यूट्यूब पर डाल देनी है। तो इस तरीके से दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूट्यूब के आगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्सक्राइबर, तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे यहाँ पर यूट्यूब से रिलेटेड, यूट्यूब सब्सक्राइबर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो निकल कर आ चुकी है। यूट्यूब सब्सक्राइबर इंक्रीज, यूट्यूब सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, यूट्यूब सब्सक्राइबर एप्स, यूट्यूब सब्सक्राइबर इंक्रीज एप्स मल्टीपली, यूट्यूब सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर जो है वो बहुत सारी वीडियो निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों आपकी भी इसी तरीके से निकल कर आएगी। अगर आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए किसी भी कैटेगरी को अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो, सर्च करते हो, तो आपके उससे रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक निकल कर आए, आपको उन पर भी वीडियो तैयार करनी है। तो दोस्तों ये तो हो गई एक ट्रिक, आपको यहाँ पर कभी भी टॉपिक की लोड नहीं पड़ने वाली है। अब दोस्तों दूसरी ट्रिक जान लीजिए, जो यहाँ पर बड़े बड़े यूट्यूबर भी करते हैं और जिनका चैनल अभी ग्रोथ पर चल रहा है, वो भी इस ट्रिक को फॉलो कर रहे हैं। वो ट्रिक कौन सी है, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पर सीधा बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सीधा अपने जो है वो YT स्टूडियो को ओपन करना है। चलिए मैं यहाँ पर इस YT स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं YT स्टूडियो को ओपन करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पर चले जाना है, इस वाले ऑप्शन पर आपको चले जाना है। जैसे ही आप एनालिटिक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और आपको यहाँ पर इस रिच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको जैसे ही रिच वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, और आपको यहाँ पर ध्यान से समझना, आपको यहाँ पर YouTube खुद सजेस्ट कर रहा है आपके चैनल की कैटेगरी के हिसाब से। तो हमारे चैनल की कैटेगरी के हिसाब से हमारे YouTube जो है वो खुद टॉपिक सजेस्ट कर रहा है कि आपके चैनल पर इस तरीके की वीडियो जो है YouTube से YouTube पर देखी जाएगी, तो आप अपने चैनल पर इस तरीके की वीडियो डालें, इन कीवर्ड पर वीडियो बनाएं, तो आपकी वीडियो पर ज्यादा व्यूज आएंगे। वो कीवर्ड दोस्तों ये है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। अगर आप इधर करोगे तो यहाँ पर जो है वो
बहुत सारे कीवर्ड आपको मिल जाएंगे और वीडियो भी इसके नीचे आपको मिल जाएगी कि आपको इस तरीके की जो है वो वीडियो बनानी है अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो आपको यहाँ से भी जो है वो वीडियो टॉपिक ले लेनी है, जैसे कि यहाँ पर आ रही है आपके चैनल की कैटेगरी के रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक जो है वो यूट्यूब आपको दे देता है। तो आपको इन पर भी अपनी वीडियो को तैयार करनी है और अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देनी है। इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि दोस्तों ये यूट्यूब आपको खुद सजेस्ट कर रहा है कि आप भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनाए, आपकी वीडियो पर ज्यादा व्यू जाएंगे। ये तो हो गई दूसरी ट्रिक। आप दोस्तों ध्यान से समझना, जो मैं अभी अपने यूट्यूब चैनल पर उस ट्रिक को फॉलो करता हूँ और भी भाई बहुत बड़े बड़े यूट्यूब जिनका चैनल अभी ग्रोथ पर चल रहा है वो भी उस ट्रिक को फॉलो करती है। ये यूट्यूब पर कोई नहीं बताता, बट दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों मैं भी इस ट्रिक को पर्सनली यूज करता हूँ ना। मैं यहाँ पर सीधा बैग जाता हूँ। बैग जाने के बाद दोस्तों आपको तीसरी ट्रिक के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ पर कभी भी टॉपिक की कमी नहीं पड़ने वाली है। दोस्तों ये ट्रिक इतनी पावरफुल ट्रिक है, अगर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप अपने यूट्यूब चैनल पर काम करते हो भाई, आपका चैनल 100% ग्रोथ लेवल पर चला जाएगा और आपको एक सक्सेसफुल यूट्यूबर होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि दोस्तों जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो भी यही कहता है कि आप इस ट्रिक को फॉलो करें, तभी आप यूट्यूब पर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों वो ट्रिक कौन सी है, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने क्रोम को ओपन करना है। जैसे ही मैं आप अपने क्रोम को ओपन करूंगा तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सीधा इस सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल ट्रेंड। तो आपको यहाँ पर गूगल ट्रेंड सर्च करना है। चलिए मैं यहाँ पर गूगल ट्रेंड को सर्च कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पर गूगल ट्रेंड को जो है वो सर्च कर लिया है और आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपको मिलेगा यहाँ पर गूगल ट्रेंड और एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर डेली सर्च ट्रेंड और एक ऑप्शन मिलेगा आपको गूगल सर्च और एक ऑप्शन मिलेगा डेली सर्च और एक ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रेंड। तो दोस्तों आपको इनमें से डेली सर्च ट्रेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको सिंपल सा इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों ध्यान से समझना, जैसे ही मैंने इसके ऑप्शन पर क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर सीधा इस थ्री डॉट वाले आइकन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इस थ्री डॉट वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर डेस्कटॉप साइड को जो है वो ऑन कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर डेस्कटॉप साइड पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा दोस्तों आप ध्यान से समझना, आपके सामने कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हम यूट्यूब पर और गूगल पर जितने भी ट्रेंड पर अभी सर्च किए जा रहे हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो जूम कर दिखा देता हूँ। इस तरीके से दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये यूट्यूब पर गूगल पर काफी तेजी से जो है वो ट्रेंडिंग पर चले हुए हैं, काफी तेजी से जो है वो यूट्यूब पर और गूगल पर सर्च किए जा रहे हैं। तो अगर आप इन टॉपिक पर इन कीवर्ड पर वीडियो बनाते हो 100% आपकी वीडियो पर ज्यादा व्यू जाएंगे क्योंकि दोस्तों ये यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पर चले हुए हैं। तो यहाँ पर आप इन पर भी वीडियो बना सकते हो, एक एरा। तो इस तरीके से यहाँ ये 50,000 लोग जो है वो 1 घंटे बाद यानी कि YouTube पर सर्च किया जा रहा है इस टॉपिक को 50,000 बार 1 घंटे में। इस 50,000 बार 1 घंटे में अगर किसी टॉपिक को YouTube पर सर्च किया जा रहा है, अगर आप उसी टॉपिक पर वीडियो बना देते हो तो भाई आपकी वीडियो भी कहीं ना कहीं उनसे रिलेटेड वीडियो में निकल कर आएगी और आपकी वीडियो पर ज्यादा व्यूज आने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनानी है, आपको यहाँ पर गूगल ट्रेंड खुद बता रहा है कि यूट्यूब पर इस चीज का ट्रेंड चला हुआ है तो आपको इन पर वीडियो बनानी है। तो दोस्तों ये चीज यहाँ पर जो है वो काफी तेजी से बड़े बड़े यूट्यूबर भी अपने चैनल के लिए अपने चैनल पर करते हैं और यहीं से वो अपने चैनल के लिए जो है वो वीडियोस निकालती है कि यूट्यूब पर कौन सी चीज का ट्रेंड चला हुआ है, गूगल पर कौन सी चीज का ट्रेंड चला हुआ है, मुझे आज अपनी वीडियो किस चीज पर बनानी है, किस ट्रेंड पर बनानी है। जब दोस्तों आपने देखा होगा मनोज दे यहाँ पर जो है वो काफी तेजी से अपनी वीडियो पर व्यूज ला रहा है और दोस्तों वो क्यों ला रहा है, क्यों उसकी वीडियो पर इतने व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी वीडियो यहाँ पर ट्रेंडिंग के रिलेटेड बनाते हैं, वो भी इसी टॉपिक का, वो भी इसी ट्रिक का यूज करते हैं और अपनी वीडियो में कुछ भी इम्प्रूव करके दिखा देते हैं और अपनी वीडियो को ट्रेंडिंग टॉपिक बना देती है। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा मनोज दे ने यहाँ पर एलविस यादव के ऊपर भी एक वीडियो तैयार करी थी, मोदी के ऊपर भी एक वीडियो तैयार करती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि गूगल पर ट्रेंड किस चीज का चला हुआ है और मुझे आप यूट्यूब पर कौन सी वीडियो बनानी है। तो दोस्तों वो यहाँ से टॉपिक उठाते हैं, कौन सी भी चीज का यूट्यूब पर गूगल पर ट्रेंड चला हुआ होता है तो उसी टॉपिक पर वो वीडियो बना देती है और उन वीडियो पर अच्छा खासा व्यूज आ जाता है
और दोस्तों छोटे यूट्यूबर यहाँ पर क्या करते हैं, जिनको पता नहीं होता है, वो यहाँ पर किसी भी टॉपिक पर अपनी वीडियो बनाते रहते हैं और उनकी वीडियो पर व्यूज नहीं आता है। दोस्तों आपको इन ट्रिक का इस्तेमाल करना है जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताई है। मैंने आप लोगों को इस वीडियो में तीन ट्रिक ऐसी बताई है जिनका इस्तेमाल अगर आप अपने YouTube चैनल पर कर लेते हो, कंसिस्टेंसी बनाकर अगर आप अपने YouTube चैनल पर मल्टीपल वीडियो इन टॉपिक के रिलेटेड डाल देते हो, तो भाई आपका पूरा का पूरा चैनल 100% ग्रो होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। दोस्तों आपको बस इन ट्रिक को फॉलो करनी है, आपको फ्यूचर में कभी भी जिंदगी में भी आपको टॉपिक की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चाहे आप किसी भी कैटेगरी पर काम करते हो या आपका यूट्यूब चैनल पर किसी भी कैटेगरी का हो, उससे यहाँ पर आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको बस वही चीज सर्च करनी है, जो सब टॉपिक आप यहाँ पर सर्च करोगे जो आपकी उसी से रिलेटेड जो है वो टॉपिक निकल कर आएंगे, और आपको उन्हीं कीवर्ड पर जो है वो वीडियोस तैयार करनी है। इस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल पर जो है वो कंसिस्टेंस होकर काम कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैंने आप लोगों को बता दिया है, मैं भी इसी तरीके से अपने यूट्यूब चैनल पर काम करता हूँ, इसी तरीके से मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पर कंसिस्टेंस रह पाता हूँ। दोस्तों तो आपने देखा होगा यहाँ पर जो योगी टेक्निकल है उनके चैनल पर 2500+ वीडियो जा चुकी है। क्यों जा चुकी है? क्योंकि दोस्तों वो अपने चैनल पर कंसिस्टेंस होकर काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने YouTube चैनल पर कंसिस्टेंसी को बनाए रखी है, क्योंकि दोस्तों उनको यहाँ पर टॉपिक जो है वो अनलिमिटेड मिल रही है, वो भी इसी ट्रिक का यूज करते हैं और उनको भी कभी भी टॉपिक की कमी नहीं होती है। दोस्तों आपको भी इसी तरीके से काम करना है, अगर आपको YouTube से पैसा कमाना है तो भाई आपको इन ट्रिक को यूज करना ही पड़ेगा। तो अगर नहीं करोगे तो भाई आप कभी भी अपने YouTube चैनल पर कंसिस्टेंस नहीं रह पाओगे और आपका YouTube चैनल कभी भी ग्रो नहीं होगा। तो भाई आप लोगों के लिए मैंने ये चीज बता दी है, आपको इनमें से किसी भी एक चीज का इस्तेमाल करना है, किसी भी एक ट्रिक को फॉलो करनी है और उस ट्रिक पर अपने YouTube चैनल पर लगा देनी है और इसी तरीके से आपको काम करना है। अगर आप इन ट्रिक का इस्तेमाल करके आप अपने YouTube चैनल पर काम करते हो तो भाई आप भी और यूट्यूबरों की तरह अच्छा खासा पैसा जनरेट करना स्टार्ट कर दोगे YouTube से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम YouTube से रिलेटेड बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।